ये तो पता नहीं। उस फखर को तब्दील करने का मकसद ये नहीं था कि फखर के घुटने की इंजरी का मसला था तो उसकी तकलीफ की वजह से उसको रेस्ट पे बाहर बिठाया हुआ था और उसका वहां पर रीहैब साथ हो रहा था। बिल्कुल सर, फखर ने तो बोला है कि मैं इतना इंजर्ड नहीं था, मैं खेल सकता था। हां जी सर, ये तो फिर टीम मैनेजमेंट पे अदम एतमाद है ना कि टीम मैनेजमेंट आपको घुटने की तकलीफ के बायस बाहर बिठाती है, तो इसका मतलब फिर तो उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। खोल दिया है पहले ही ये वही वाली सब बात आ गई जो आप पहले कर रहे थे। पहले ही इंतजामुल हक पीसीबी के खिलाफ एक पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है और अगर फखर ने ये कह दिया है। नहीं सर, कायनात ठीक कह रही है, मैंने भी कल एक स्टेटमेंट फखर जमान की पढ़ी है जिनमें उन्होंने कहा कि मुझे मसला था, हम जान के रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इस वजह से मुझे टीम ने नहीं खिलाया, मेरा इशू इतना सीरियस नहीं था। ठीक है जी, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट चीज क्या लगी कल? बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में हम लोगों ने बहुत अच्छी एफर्ट की है और यही एफर्ट हम लोगों को शुरू में मैचेस में करनी चाहिए थी जिसमें हम लैक कर रहे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग के हमें तीनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा खेलना है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। कल हम लोगों ने तीनों डिपार्टमेंट में हमने आउटस्टैंडिंग खेला जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स आपके सामने, हमने 30-32 ओवर में चेस कर लिया है। अच्छा जी, आपने फिर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी, 30-32 ओवर में चेस कर लिया है। शमशेर खान न्याजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं कि 30-32 ओवर में चेज करते हैं या 27 ओवरों में चेज करते हैं, कोई फर्क पड़ता है इससे? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता। हम तो बेसिकली खेल ही सीख रहे थे कि हम पॉइंट्स तो ले ही लें टेबल पे, लेकिन हम रन रेट के पीछे बहुत ज्यादा हम थोड़ा उस पर थे कि हम रन रेट अच्छा रखें अपना, जिसके लिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान 26-27 ओवर में ये स्कोर मुकम्मल कर लेता और कर भी सकता था। थोड़ा सा एग्रेसिव और खेलते, अच्छा एग्रेसिव खेले हैं, ठीक है फखर जमान ने थोड़ा एग्रेसिव खेला, लेकिन थोड़ा सा 3-4 ओवर आप लेट हो गए, रन रेट को थोड़ा आपने ना ऊपर नीचे कर। अच्छा, मैंने फखर जमान का पोस्ट मैच वो जो प्रेस टॉक होती है, मीडिया टॉक होती है, वो सुनी। फखर जमान से उसने पूछा कि आप 100 के लिए क्यों नहीं गए, 80s में आप आउट हुए। उसने कहा हमें जल्दी मैच खत्म करना था, मेरे पास इतना टाइम था कि अगर मैं 100 के लिए जाता तो मैं आराम से 100 कर सकता था, बट हमें उस टाइम रिक्वायरमेंट थी कि हमने तेज खेलना है और फिनिश के लिए जाना, इसलिए मैंने बड़ा शॉट मारा। अच्छा, तो आई थिंक आपकी बात इनके दिमाग में था कि हमने फखर ने ये तो साथ कहा ना कि हमारा टारगेट था कि हम 30 ओवर से पहले हमने ये चेज करना। नहीं, फखर जिस तरह कल बैटिंग कर रहे थे, वो काफी लोग ये कह रहे थे कि फखर जो है वो अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं, अपनी सेंचुरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगला मैच भी खेलना है, उससे अगला मैच भी खेलना है उन्होंने। तो मेरा नहीं ख्याल वो इसलिए खेल रहे थे, वो मेरे ख्याल से एग्रेसिव इसलिए ज्यादा खेल रहे थे क्योंकि उन्होंने जो है विद इन टाइम लिमिट अपने रन रेट को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने स्कोर चेज करना था, जो कि उन्होंने कर लिया है, लेकिन बट अगेन 3-4 ओवर आप थोड़े और लेट। ठीक है सर, फखर को हम अगले मैचेस में देखेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जबरदस्त कल बैटिंग की है। 2023 में शायद पाकिस्तान टीम ने इतने छक्के नहीं मारे थे कल जितने फखर ने मैच में मार दिए हैं, तो आप अब अगले मैच में हम इनको परमानेंट प्लेइंग 11 में देखेंगे। देखिए जी, उन्होंने 81 रन की इनिंग्स खेली है और उसके बाद अगर आप उनको बाहर बिठाते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, अगर क्योंकि मैच भी आपका न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ है और छोटा मैच नहीं है। आपने गलती कहाँ की, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ गलती की और वहाँ पर आप शिकस्त, आपको वो मैच आप जीत लेते, बेशक आप जनूबी अफ्रीका से हार जाते तो आपकी अब पोजीशन कुछ और होनी थी आप, क्योंकि आपके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अब आपने वहाँ पर टीम का कम्बिनेशन आपका बेहतरीन है, आपको अब मज़ीद तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जाएँ और भारत ने जिस तरह न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है ना, आप उस मैच को ज़रूर मॉनिटर करें, उस मैच को देख कर वहाँ पर उसके ज़रिए आप न्यूजीलैंड को कैप्चर करें और न्यूजीलैंड पकड़ी जा सकती है टीम। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर न्यूजीलैंड का आज का मैच जीत जाती है फिर हमारे लिए तो मुश्किल है, फिर तो हमने सिर्फ जस्ट एक मैच खेलना है, फॉर्मेलिटी हो जाएगी हमारे लिए, फॉर्मेलिटी हो जाएगी हमारे लिए कि हमने सिर्फ मैच खेलना है। ठीक है, तो ये अभी सूरत हाल इस तरह की है और तब्दीलियां मजीद नहीं बनती भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को ऑल इन करके खेलना चाहिए, ऑल इन करके खेलना चाहिए। एक और चीज भी है ना, देखिए हम 4 शिकस्तें खाई हमने और हमारी टीम ऐसे लगी जैसे वो एक क्लब लेवल की टीम है। ठीक है, और हमने सिर्फ एक बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के खिलाफ कामयाबी हासिल की है और हम वापस उस लुक लाइक चैंपियन। ठीक है ना, वो उसमें हम वापस। आपने बड़ी अच्छी बात की है, वी लुकिंग लाइक चैंपियंस। पाकिस्तान की टीम में बातें आ रही थी कि जी ग्रुपिंग्स है और यूनिटी नहीं है प्लेयर्स के अंदर और कोई रिफ्ट चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कल के मैच की परफॉर्मेंस में अगर आपने पाकिस्तान को देखा हो तो बड़े जुड़ के एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, जिस तरह विकेट्स के बाद सेलिब्रेशंस हो रही थी उससे भी पता चल रहा था कि प्लेयर्स एक काफी हाइपर एक्टिव थे। और अगर आपने इनके ट्विटर के बयानात देखे हो, जो स्टेटमेंट देखे हो, उस पर सब नहीं तकरीबन 3-4 प्लेयर्स ने, इफ्तिखार शामिल है उनमें, बाबर ने खुद ट्वीट किए जिसमें बाकी प्लेयर्स ने कहा कि बाबर हम तुम्हारे साथ हैं, मुश्किल वक्त हो या टफ हो, हम हारें या हम जीतें, तुम हमारे कप्तान हो, तुम हमारे साथ हो। जर साहब, आई थिंक ये क्लियर मैसेज देना चाह रही है टीम किसी को, उन लोगों को जो ये शायद
ग्रुपिंग्स की और इस तरह की बातें करें। देखिए जब मैंने तो हमेशा कहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में हमेशा ही कहता हूँ कि हार यतीम होती है, उसको उसके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं होता। और जिस तरह पाकिस्तान टीम को पे दर पे चार शिकस्तें हुई तो उसके बाद तो कोई इस टीम को ओन करने के लिए तैयार नहीं था। सिलेक्शन कमेटी कह रही थी अपने उसकी मुदाखलत है, टीम मैनेजमेंट कह रही थी मुझे टीम नहीं दी, बाबर आजम चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट आ गई ये टीम मैंने मुंतखब नहीं की। तो देखें जब वही बात आई ना कि यतीम के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। और एक कामयाबी जैसे ही पाकिस्तान को मिली और पाकिस्तान ने देखा कि अब बांग्लादेश के खिलाफ हमने कामयाबी हासिल करनी है, देखिए अब हर बंदा इस टीम को ऑन करेगा, हर बंदा कहेगा ये मैंने जैसा आपको पहले बताया एक जीत ने हमारी टीम को बना दिया है लुक लाइक चैंपियन, ठीक है अब हम चैंपियन की तरह आएंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी अगर ये वहां पर मेरी जीत मिल जाती है ना तो हम वो पिछली जो कुछ शिकस्तें हुई वो सब भूल जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, पिछली जितनी शिकस्तें हैं वो हम भूल सकते हैं कि अगर हम न्यूजीलैंड को हरा दें, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड को आज भी हारना पड़ेगा। खैर